वेलकम बैक ऑन माई चैनल, दिस इज़ प्रज्ञा। एंड आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आपको बैकग्राउंड देख के तो पता चल गया होगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बहुत ही अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ जिससे कि आपकी दिवाली जो है ना आप बहुत ऑसम बना सकते हो। दिवाली के कुछ ही दिन बचे हैं एंड आई नो आप सोच रहे होगे दिवाली पे ऐसा क्या करें जो अलग हो, अपने घर को कैसे डेकोरेट करें, कैसे कुछ नया करें, क्योंकि हर साल हमारा ये जो फेस्टिवल है ना, हम हर साल अपने घर को कुछ नया लुक देने की सोचते हैं, कुछ नई चीज़ें अपने घर में ऐड करने की सोचते हैं। और ये चीज़ें अगर बिना पैसे खर्च किए और कम पैसे खर्च किए अगर हो जाए तो इससे बेटर क्या है। सो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेके आई हूँ। आई नो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे और ऐसे बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ मैं आगे भी लेके आने वाली हूँ। सो वीडियो को पहले से लाइक कर लें एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, एक ही बार करना वरना दो बार करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो बेल आइकन को हिट ज़रूर करना और वीडियो को पूरी देखना, बिकॉज़ वीडियो जो है आपको एक एक टिप्स जो है बहुत काम आने वाली है। सो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हैक नंबर वन, अगर आप भी दिवाली पे ना चांदी के पीतल के बर्तन निकालते हो यूज़ करने के लिए और ऐसे गंदे हो जाते हैं ना, तो आप टूथपेस्ट लो और टूथपेस्ट को बर्तन के पूरे साइड में ना लगा दो, जैसे फेस पे क्रीम लगाते हो ना वैसे ही लगा दो और 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दो। 10 मिनट बाद आपको जैसे आप नॉर्मली बर्तन को वॉश करते हो ना, आपको उसको वैसे ही वॉश करना है और आप रिज़ल्ट देखो। OMG, इतना ज़्यादा शाइन तो ये जब नया होगा तब भी नहीं रहा होगा। नंबर टू जो है ना वो है हमारा शादी के कार्ड से हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा शोपीस जिसको काइंड ऑफ पेंटिंग ही है। तो आप कुछ इस तरीके से उसको कटिंग करके कलर कर लो। कलर करने के बाद आपको एक स्टोन लेना है, मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का स्टोन लिया है और उसके ऊपर मैंने येलो कलर किया हुआ है, फिर हमने वाइट कलर किया हुआ है राउंड राउंड, ये आइज़ के लिए किया है। फिर एक मून बना दिया हमने यहाँ पर और मून को थोड़ा बड़ा करना है तो थोड़ा बड़ा कर लो। फिर छोटे छोटे से स्टार्स बना लो। ये मैं आउल बना रही हूँ तो आउल का जो है आपको आईज़ एंड उसका जो पीक होता है ना उसको आपको कलर कर लेना है और कलर करने के बाद बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक पतली सी डाली बना लो, कुछ दो चार पत्ते लगा दो और ये हो गया हमारा बैकग्राउंड तैयार। और इस तरीके से ग्लू गन से इसको उसके ऊपर लगा दो। नंबर थ्री जो है ना वो है हमारा वाटर कैंडल। वाटर कैंडल बनाने के ग्लास में पानी लो, पानी लेके उसमें थोड़ा गुलाल डाला मैंने, गुलाल डाल के ये जो है ना ये सफाई करते टाइम मुझे मिला था उसको अंदर डाल दो। ऐसे कोई भी शोपीस डाल सकते हो और ऊपर से उसमें ऑयल डाल दो। ऑयल डालने के बाद कुछ सेकंड तक वेट करो, ऑयल जो अच्छे से ऊपर की तरफ जब आ जाए तो उसमें कॉटन की ना ऐसी बत्ती बना करके ऐसे डाल दो और जला दो। हो गया हमारा कैंडल तैयार और सुबह से शाम तक ना ये जलता ही रहेगा। हैक नंबर फोर भी हमारा वाटर कैंडल ही है, थोड़ा सा अलग है। इसमें हम ना बहुत सारे कलर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले मैंने रेड डाला, फिर मैं इसके ऊपर जो है येलो कलर डालूंगी, ग्रीन कलर डालूंगी और सारे कलर्स को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर आपको ऑयल डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद आपको कुछ सेकंड तक छोड़ देना है और आप देख सकते हो किस तरीके से ऑयल जो है ऊपर की तरफ आ गया और तीन कलर डालने की वजह से किस तरीके का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। और सेम वही प्रोसेस करना है, बत्ती डाल दो और जला दो। को डेकोरेट करेंगे और बॉटल जो है ना आप कोई भी बॉटल ले लो, जैसे कि ये मिल्क शेक की बॉटल थी मैंने इसको क्लीन कर लिया है और छोटे छोटे स्टोन मैंने ऑलरेडी कलर करके रखा हुआ था, तो लाल पीला हरा नीला जो भी कलर चाहो ना आप कलर कर लो और सारे स्टोन्स को ना बॉटल के अंदर डाल दो और देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल बॉटल आपका जो है रेडी होने वाला है। अगर आपके पास स्टोन नहीं है ना तो आपके लिए मेरे पास हैक नंबर सिक्स भी है। सिक्स हैक के लिए आपको क्या करना है कि रंगोली जब आप बनाते हो ना बहुत सारे कलर बच जाते हैं तो आपको उन्हीं कलर्स को बॉटल के अंदर थोड़ा सा बॉटल को टेढ़ा टेढ़ा कर करके डालना है। जैसा भी आप करोगे वैसी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो सारे जितने भी कलर्स बचे हैं ना बॉटल के अंदर डाल दो और फिर देखो कितना सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा।
हैक नंबर 7 ना रंगोली है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दिवाली का। आपको लेनी है चूड़ियाँ, अगर आपको बिल्कुल भी रंगोली बनाना नहीं आता ना तो भी आप बना सकते हो। चूड़ियों के अंदर ऐसे कलर्स को फिल करते जाओ, जो भी कलर आपको चाहिए उसको फिल करते जाओ, और फिल करने के बाद आपको लेना है वाइट कलर, या यहाँ पे मैंने लिया है सूजी। सूजी के ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स बना लेने हैं। फिर लेना है एक छोटा सा कैप और उसको प्रेस करना है, जिससे आपके जो डिज़ाइन है ना उसके ऊपर एक कॉइन सा डिज़ाइन बन जाएगा। और फिर मुट्ठी में भर के इस तरीके से डॉट 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 बना लो। डॉट डॉट बनाने के बाद लेना है आपको ऐसे ही वापस से कैप, कैप से प्रेस करना है। कैप से प्रेस करने के बाद फिर आपको लेना है स्पून, जिससे कि आपको प्रेस करके अंदर की तरफ डिज़ाइन को खींचना है। तो इस तरीके का फ्लावर का शेप जो है बनके तैयार हो जाएगा। फिर आप उसके ऊपर ग्रीन कलर का डॉट लगा दो, वापस से कैप से प्रेस कर दो, और उसके बाद वापस से उस पर जो भी कलर चाहते हो वो डाल दो, और इस तरीके से कैंडल सजा लो।